हाय एंड ओम शांति। आई एम डॉक्टर अभिषेक वर्मा, स्पिरिचुअल हीलर एंड गाइड। नाउ वी आर शेयरिंग अ मोटिव एंड पर्पस ऑफ दिस ग्रुप। एक्चुअली एंड बेसिकली दिस ग्रुप आर शेयरिंग अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर स्क्लिप ऑन 21st जून, एज वी ऑल नोज वैन मून आर कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ इट अकर्स सोलर स्क्लिप एंड अवर नेक्स्ट एंड फर्स्ट सोलर स्क्लिप फॉर 2020 on 21st June, and timing in India is at 9:15 a.m. to 3 p.m. Is peak of time is at 12:10 p.m. and basically is started in India at 10:15 a.m. and ended in India at time of end in India of solar eclipse is 2 p.m. near about 2 p.m. So now we sharing what effects we are facing during this eclipse. जैसे कि आज इस ग्रुप में हम आपको सोलर स्क्लिप यानी सूर्य ग्रहण, जो हमारा पहला इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21st जून यानी 21 जून को पड़ रहा है, उसके क्या प्रभाव होंगे हमारे भारतवर्ष पे और हमारी कुंडली पे, हमारे प्लैनेट्स पे किस तरीके से। बेसिकली साइंटिफिकली हम ये चीज़ जानते हैं कि जब मून यानी हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी हम पूर्ण रूप से सूर्य से वंचित होने लगते हैं। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसका समय इंडिया में 9:15 यानी 9:15 सुबह से लेके 3 बजे दोपहर तक है, जिसका समय होगा जब ये अपने अति विशिष्ट दौर पे होगा, या आप कह सकते हैं बहुत पावरफुल होगा, वो होगा 12:10 पे। बेसिकली इंडिया में ये 10:15 से स्टार्ट होगा और ये 2:02 तक प्रभावी तौर पे इंडिया में रहेगा। तो उसका टोटल टाइम 9:15 से 3 p.m. तक है। इसके प्रभाव अगर आप ज्योतिष की माने, एज अकॉर्डिंग टू अवर ज्योतिष, एवरी एंड ईच ग्रहण, एवरी एंड ईच इक्लिप्स इज द लूनर एंड सोलर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, सभी का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। हमारे ग्रहों की, हमारे नक्षत्रों की चाल बदलती है। ये सूर्य ग्रहण इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के ठीक अगले दिन से हमारे गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 22 जून से आवर गुप्त नवरात्रे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जून। सो दैट्स अ रीज़न दिस सोलर स्क्रिप्ट आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे अति विशिष्ट योगों के साथ आ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये दूसरा नवरात्रा है और ये नवरात्रा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण के साथ पड़ रहा है और इस मंथ में 3 ग्रहण भी है। जैसा कि आप इस महीने के प्रभाव को, सूर्य ग्रहण और ग्रहणों के प्रभाव को देख रहे हैं, बहुत सारी क्राइसिस हमारे साथ, हमारे भारतवर्ष में, हमारे वर्ल्ड में आ रही है। हम एक बहुत बड़ी क्राइसिस COVID-19 को फेस कर रहे हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं बहुत बार ये प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि इस कोरोना वायरस का पूरा जो रिलेशन है वो सूर्य ग्रहण से है। जैसा कि दिसंबर में सूर्य ग्रहण के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, वैसा ही बहुत हद तक जो हमारे स्टार्स कहते हैं इसके इसी सूर्य ग्रहण से इसका अंत भी हो सकता है, काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो सकता है इस सूर्य ग्रहण से। तो सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पे साइंस के हिसाब से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम पुरातन धर्म वैदिकता की बात करें तो हमारे जीवन पे पूरा ही प्रभाव पड़ता है। हम फेस करते हैं इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को अपनी कुंडली में, अपने प्लैनेट्स में।
जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको हर एक राशि पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और उस राशि के स्वामी को यानी एवरी जोडिक साइन के लिए हमने आपको रिचुअल्स एंड रेमेडीज दी है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने ऊपर होने वाले प्रभाव को बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के दूसरे मोटिव की जो हमने आपके साथ शेयर किया है। इस ग्रुप पे हम दो तरीके से ग्रुप, पहले ग्रुप पहला है फ्री ग्रुप जहाँ पे आपको कोई भी एनर्जी एक्सचेंज पे नहीं करना। उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन और रिचुअल्स मिल रहे हैं कि कब कैसे पड़ेगा और आप किस तरीके से इस समय अपने लिए रिचुअल्स कर सकते हो अपने ऊपर इसके प्रभाव को कम करने के लिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मोस्टली लोग जानते हैं और हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमें सूर्य ग्रहण के समय क्या डूज एंड क्या डोंट डूज होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें। हर एक ग्रहण में, लेकिन बेसिकली सूर्य ग्रहण में, हमें जब हमारा सूतक काल होता है तब से जो सामान्य पुरुष लोग हैं, मतलब जो किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, उन्हें बीमार नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, एक यंग एज में है, यानी 30 यानी आप 20 से लेके अगर आप 60 की एज में है तो आपको सूतक काल से लेके ग्रहण काल तक भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर करे भी या कोई भी आपके यहाँ घर में भोजन सामग्री रखी हो, दूध रखा हो, उसमें एक तुलसी का एक बेसल लीफ जरूर डालें उसके प्रभाव को कम करने के लिए, तभी वो करें। सूतक काल में भोजन ना करें और ग्रहण काल में जितना हो सके पूजा पाठ करें, जितना हो सके अपने ईष्ट देव को, अपने गुरुओं को, अपने भगवान को याद करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो उन्हें याद करें, उनका स्मरण करें, उनकी आराधना करें, उनकी साधना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस ग्रुप में हम आपको माँ काली से रिलेट एक मंत्र देने वाले हैं, जिस मंत्र का जाप अगर आप सूर्य ग्रहण से शुरू कर गुप्त नवरात्रे भर करते हो तो आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स हैं और आप अगर किसी तरह का साइकिक इफेक्ट्स या साइकिक अटैक जिसको हम कह सकते हैं, सामान्य भाषा नॉर्मल भाषा में बात करें तो साइकिक अटैक वो होते हैं, बहुत सारे लोग इस ग्रुप में होंगे जो इसको फेस कर रहे होंगे, यानी हमें ऐसा लगता है कि कोई शारीरिक रूप पे हमें प्रताड़ना दे रहा है, कोई ऐसी आत्मा या ऐसा स्पिरिट है जो हमें परेशान कर रही है। कई लोगों को पिंच जैसा अनुभव होता है, यानी कोई सुइया चुभता है पीठ में, पैरों में या पूरे शरीर में। इस तरीके की चीज़ों के लिए माँ काली के बहुत सारे मंत्र हैं, जिसमें से हम आपको इस ग्रुप में एक मंत्र दे रहे हैं जिस मंत्र के साथ आप इन सब चीज़ों के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर लोगे। और अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया तो मेरा मानना है, और मेरा ही क्या सबका यही मानना है, कि अगर माँ काली की कृपा हो गई तो आपका पूरी तरीके से आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे, आप एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन क्रिएट कर लोगे इस मंत्र से। सेकंड थिंग, इसके अलावा हम इस जो पेड ग्रुप की बात कर रहे हैं उस पेड ग्रुप में हम आपको एक पर्टिकुलर शाबर मंत्र देने वाले हैं। शाबर मंत्रों के बारे में मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारे YouTube चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं, और जो लोग सुन चुके हैं उन वीडियो को वो बहुत अच्छे से जानते हैं शाबर मंत्रों को। और एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ शाबर मंत्र के लिए। एक्चुअली शाबर मंत्र आर दोज मंत्र विच आर ऑलरेडी एनर्जाइज बाय गुरु गोरखनाथ, सो वो मंत्र पहले से ही एनर्जाइज और सिद्ध होते हैं। लेकिन 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 बट हमें उन्हें सिद्ध या एनर्जाइज करना होता है अपने ऊपर प्रभाव कराने के लिए, यानी वो उन्होंने ऑलरेडी एक रूलर लैंग्वेज में उसको बनाए हैं, इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, क्योंकि जो हमारे बीच मंत्र या वैदिक मंत्र है वो संस्कृत और वैदिक लैंग्वेजेस में थे, जिसको कई बार हम उच्चारण सही ना होने की वजह से उनका प्रभाव हमें नहीं अच्छा लगता, बिकॉज ड्यू टू करेक्ट
प्रोनाउंसिएशन वी डोंट गेट बेनिफिट्स ऑफ दोज मंत्र दोज बीज मंत्र एंड वैदिक मंत्र एज वी नीड. तो हम अपने हिसाब से जैसा हम चाहते हैं हम कई बार उन वैदिक मंत्रों उन सीड मंत्रों को का जाप उच्चारण की वजह से नहीं उनका उनके प्रभाव को देख पाते हैं. लेकिन इसी समस्या से निदान के लिए गुरु गोरखनाथ कौन थे और कैसे था ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में. अगर आपकी नीड होगी तो हम आपके साथ यहाँ भी शेयर कर देंगे, वरना हमारे YouTube चैनल पे और प्लस हमारे बहुत सारे ग्रुपों में हमने शेयर किया हुआ है. तो वहाँ गुरु गोरखनाथ ने रूरल लैंग्वेजेस में यानी ग्रामीण भाषा में कुछ मंत्रों का निर्माण किया, कुछ नहीं बहुत सारे लाखों करोड़ों मंत्रों का निर्माण किया. पूरा एक ग्रंथ है शाबरमंत्र ग्रंथ, गुरु गोरखनाथ का शाबरमंत्र ग्रंथ. तो उन मंत्रों को आप उन मंत्र वो मंत्र उतने ही या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिव से निकले थे. तो शिव की कृपा से निकले थे इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनके साथ कोई भी प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि वो शुद्ध आपकी हमारी लोकल लैंग्वेज यानी देशी हिंदी भाषा में होते हैं, ग्रामीण भाषा में होते हैं. तो उस तरह के हम आपको कल एक ऐसा साबर मंत्र उस पेड ग्रुप में देंगे अगर आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो जिसका एनर्जी एक्शन 251 रुपीज है. वो ग्रुप कल से शुरू होके पूरे नवरात्र भर रहेगा. पूरे नवरात्र में हम उस ग्रुप में आपको हीलिंग और मेडिटेशन कराएंगे माँ के अलग अलग रूपों के साथ, माँ के 9 रूपों के साथ. तो आपको वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. दूसरा शाबर मंत्र की दीक्षा, यानी आप सभी लोग जानते हैं मंत्रों की दीक्षा होती है. जिन लोग के पास गुरु है उन्होंने गुरु से गुरु मंत्र लिया है, लेकिन उस पर्टिकुलर शाबर मंत्र के लिए मंत्र दीक्षा लगती है. उस मंत्र दीक्षा के साथ आप उस मंत्र से उस मंत्र के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद जब उसका अनुभव करेंगे उसको एक्सपीरियंस करेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. वो मंत्र एक माँ काली का ऐसा मंत्र है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो. लेकिन 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 बेसिकली क्योंकि इस सूर्य ग्रहण पे हमारा जो मोटिव है वो है प्रोटेक्शन और हमारी निगेटिविटी का रिमूवल. सो ये जो हम मंत्र दीक्षा करेंगे वो उसके लिए करें. जिन भी लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम है यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं या साइकिक अटैक्स को फेस कर रहे हैं वो इस मंत्र का जाप करके बहुत हद तक उनके प्रभावों को दूर कर सकते हैं और इसके लिए विधि भी बहुत आसान है. तो आपको पेड ग्रुप में 251 एनर्जी एक्सचेंज के साथ रेगुलर हीलिंग मिलेगी. सूर्य ग्रहण के समय भी हम आप सबकी जो भी पेड ग्रुप में होंगे उनकी फोटोज लेंगे, उनके नाम लोकेशन लेंगे, अपनी साधना में आपको इन्वॉल्व करेंगे और आपका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे सूर्य ग्रहण से प्रभाव के समय. प्लस 9 रात में आप माँ के 9 रूपों के साथ आपके साथ आराधना यानी आपके साथ मेडिटेशन की टेक्निक आपको बताई जाएगी, हीलिंग की टेक्निक आपको बताई जाएगी और आपको प्रॉपर हीलिंग सेंड की जाएगी क्योंकि उस ग्रुप में हमारी भी बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है. इसलिए वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज है. ऐसा नहीं है कि एनर्जी यहाँ नहीं लग रही, लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें हम आसानी से दे सकते हैं. कहीं पर हमारा स्पेशल समय जाता है इस वजह से वहाँ एनर्जी एक्सचेंज होता है. अब इसके बाद हमने उस पोस्ट में एक चीज़ और लिखी है क्योंकि काली की बात हो रही है तो काली के बहुत सारे रूप हैं, महाकाली के बहुत सारे रूप हैं, उनके बहुत सारे चमत्कार भी हैं, उनके बहुत सारी आशीर्वाद भी हैं. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है मेरे साथ महाकाली को कई बार. सो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पूरी तरीके से साइकिक अटैक को रिमूव कर सकते हैं. ये एक गारंटेड साधना है. गारंटेड साधना यानी अगर आपने सही से कर ली, प्रॉपर वे में कर ली तो इसके परिणाम आते ही आते हैं. कोई काट नहीं सकता, कोई भी काट नहीं सकता. मैंने करीब करीब अगर अपने 15 साल के अनुभव यानी एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मिनिमम
25 एंड मैक्सिमम 30 के नियर अबाउट लोगों के साथ इसको ट्राई किया है और आज भी वो बहुत अच्छा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और करेंट इस ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये मंत्र मैं करता हूँ, उनके ऊपर से मैंने इफेक्ट हटाए हैं। यहाँ हमें काली के एक यंत्र को सिद्ध करना होता है और हम उसको अपने साथ, अगर हमारे पर्सनल सिर्फ हमारे ऊपर है तो हम उसे अपने साथ रखते हैं, अगर वो वहाँ है मतलब पूरे घर पे है तो हम उसे घर पे रख के घर को बांधते हैं। अगर किसी ने आपके घर को बांधा हुआ है तो वो हट जाता है, आपकी शॉप को बांधा हुआ है तो वो अटैक हट जाते हैं। अगर कोई पर्सनली आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका जानने वाला, कोई आपका कंपटीटर, कोई आपका अदर ऐसा कोई हीलर, क्योंकि हीलर में शब्द यहाँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये होता है। हम जो लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से चिढ़ के एक दूसरे पे बहुत सारे प्रभाव करते हैं, ये होता है। ये भी एक कहते हैं ना डार्क ट्रूथ है, काला सच है, ये होता है। तो आप उस प्रभाव को भी दूर कर सकते हैं उस कवच, उस मंत्र, उस साधना के साथ। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इतना है कि वो एक काली शमशान साधना है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप शमशान में बैठ के नहीं करना चाहते तो आप एकांत जगह पे अपने घर की छत पे या ऐसी जगह जहाँ कोई भी उस समय ना आए आप वहाँ कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस हम आपके साथ, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ शेयर करेंगे। और उसमें भी हम आपको दो तरीके से कर रहे हैं, अगर आप उसको स्वयं कर सकते हैं तो आप खुद करिए, उसमें हम आपको साथ में सपोर्ट भी देंगे, यानी हम आपको आपके साथ आपको कनेक्ट करके, आपको स्पेशली कनेक्ट करके आपकी हेल्प करेंगे, आपको एम्पावर करेंगे उन चीज़ों में उसको करने के लिए। अगर आपको ये है कि आप नहीं कर सकते, आप उस यंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते और आपको वो चाहिए तो आपके बिहाफ पे हम कर सकते हैं, आपका नाम और आपके बिहाफ पे आपका एनर्जी एक्सचेंज लेके, क्योंकि तब हम आपसे एनर्जी एक्सचेंज लेंगे, इसीलिए वो आपके ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट देगा, क्योंकि वहाँ आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी या दक्षिणा या द्रव्य दिया है, उसके चार्जेस भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं सारे के सारे चार्ज। तो ये था मोटिव इस ग्रुप का, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, जिन्हें अच्छा लगा उनके लिए धन्यवाद, जिन्हें नहीं अच्छा लगा उनसे भी धन्यवाद। जानकारी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण हो, इम्पॉर्टेंट हो, नेसेसरी हो या ना हो, लेकिन अगर बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ 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 एक अच्छी स्माइल के साथ थैंक यू यूनिवर्स को, माँ काली को बोलिए, और जिन्हें ना अच्छी लगे मुझे नहीं, माँ काली को थैंक यू जरूर बोलिए, आपको आज नहीं कल उसके परिणाम बहुत जरूर मिलेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया हो, और आगे हम शाम को, और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए दोबारा भी ये चीज़ें शेयर करेंगे, और साथ ही साथ फ्री ग्रुप में हम शेयर कर देंगे क्या कहते हैं मंत्र को शाम को, और पेड ग्रुप हम कल शाम से शुरू करेंगे, तो कल शाम तक आप पे कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स हमारे नीचे है, आप उनको देख सकते हो। दूसरा, जिनको शमशान मंत्र या वो यंत्र सिद्ध करना है 24 जून को, वो भी हमसे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।